असलम एवरीवन आज का मेरा टॉपिक क्लास के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको घर बैठ के तैयारी करनी पड़ी है स्मार्ट सेबल उनको मिल गया हुआ है लेकिन अब स्कूल्स भी बंद हैं लॉकडाउन की वजह से और वो अकेडमीज़ भी नहीं जा सकते तो वो घर बैठ के कैसे तैयारी करें बाकी सब्जेक्ट्स तो बड़े जा सकते हैं लेकिन जो मैथ्स है वो तब तक नहीं होता जब तक आपको कोई सिखाए ना तो इसी को देखते हुए आ, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी और आप सबके लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ कि मैं आपको फ़र्स्ट चैप्टर से मैथ्स सिखाऊँगी तो चलते हैं अपनी फर्स्ट uh, चैप्टर की एक्सरसाइज वन पॉइंट वन की तरफ इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑर्डर जहाँ पे भी आपको ऑर्डर कहा जाए ये ऑर्डर आपने क्या करना है उसमें उसकी रोज और कॉलम्स को देखना है जैसे कि हमारे पास ये ए है एक्व टू टू थ्री माइनस फाइव और सिक्स ये जो इस तरीके से हमारे पास आती हैं हॉरिजोटल ये हैं हमारे पास रोज़ और जो वर्टिकल हैं ये हमारे पास हैं कॉलम्स तो so, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं सिक्स ये हमारे पास क्वेश्चन है अगर हम इसका देखें तो हमारे पास ये एक रो है और ये दूसरी रो है तो हमारे पास रोज कितनी हो गई टू ठीक है टू रोज और ये जो हमारे पास है इस तरह से वर्टिकल में ये कॉलम आ जाता है तो हमारे पास कॉलम्स कितने हो गए C1 वन एंड सी मतलब टू कॉलम्स तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा ऑर्डर इक्वल्स टू टू बाय टू टू rows और टू कॉलम्स यही इसका आंसर है सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं ये वाले अब ये हमारे पास ई e मैट्रिक है इस पूरे को हम जो ब्रैकेट में यहीं मैट्रिक कहते हैं ये हमारे पास ई e मैट्रिक है इसमें अब देखें हमारे पास ऑर्डर क्या बनेगा ये एक रॉ है ये दूसरी रॉ है और ये तीसरी रॉ है तीन रॉज होगी और ये एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है तो हमारे पास क्या आएगा थ्री बाय टू ये हमारे पास आएगा इसका ऑर्डर आई होप आपको क्लियर हो गया कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं जैसे यहाँ पे देखें बी में भी हमारे पास टू बाई टू का ऑर्डर है सी में हमारे पास वन रॉ है और टू कॉलम्स हैं तो ये हमारे पास वन बाय टू का ऑर्डर आ जाएगा और डी में हमारे पास जो है थ्री रॉज हैं और एक ही इसमें कॉलम है ई e तो मैंने आपको करवा दिया है और एफ में हमारे पास वन ही रॉ है और वन ही कॉलम है और इसमें देखें जी में तो हमारे पास थ्री रॉज हैं और थ्री कॉलम्स हैं और एच में भी हमारे पास टू रॉज हैं और थ्री कॉलम्स हैं हमारे पास ये आपको आई होप सो फर्स्ट क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में देखें विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल इसमें हमने ये देखना है कि इक्वल कौन कौन से हैं इक्वल मैट्रिक्स वो होते हैं जिनकी तमाम एंट्रीज एक दूसरे से मैच कर रही हूँ तो अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास है ए मैट्रिक इसमें है थ्री बाकी हमें कहीं पर थ्री नजर नहीं आ रहा लेकिन ये जो सी है इसमें देखें दरमियान में माइनस है और जब माइनस आ जाए तो फिर हम इसको माइनस कर सकते हैं तो ये हमारे पास एंट्री क्या बनेगी फाइव में से टू माइनस करेंगे तो हमारे पास थ्री आ जाएगा तो क्या ये सी ए से मैच कर रहा yes. तो है यस तो ये जो सी है ये ए के इक्वल होगा ये हमारे पास ए इक्वल टू सी और फिर हमारे पास है बी बी में देखें थ्री और फाइव एंट्री है और डी में हमारे पास फाइव और थ्री है यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये सेम हो सकता है लेकिन नहीं ये सेम नहीं हो सकता थ्री जहाँ पे फाइव है डी पे वहाँ पे थ्री होगा और इस तरफ फाइव होगा फिर ये मैच हो सकते हैं तो हम इसको किसके साथ देखेंगे नेक्स्ट ई e में देखें तो ये बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा बी में देखें एफ में देखें तो बिल्कुल भी नहीं जी में बी नहीं मैच हो रहा एथ से भी नहीं और आई से आई में देखें हमारे पास थ्री है थ्री के साथ इन्होंने दिया हुआ है थ्री प्लस टू अगर हम थ्री को टू में प्लस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइव तो अब क्या बी आई से मैच कर रहा है? बी आई से मैच कर गया है जहां पे आपको प्लस या माइनस नजर आए उसको आपने सॉल्व करके करना है तो फिर आपको पता चल जाएगा ये मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है आप करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी जैसे हम एफ ले लेते हैं एफ में देखें टू और सिक्स है और जी में देखें तो अगर हम थ्री में से वन माइनस करें तो हमारे पास टू आ जाएगा और थ्री में थ्री प्लस करें तो हमारे पास सिक्स आ जाएगा तो ये बिल्कुल एफ़ से मैच कर जाएगा जी और एफ़ इक्वल होंगे और एच में अगर देखें तो फोर है सिक्स और ज़ीरो टू है अगर हम जे को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फोर आ जाएगा सेम एज़ एच और टू में से टू माइनस करें तो ज़ीरो आ जाएगा फोर में टू प्लस करें तो सिक्स आएगा और एच में यहाँ पे टू जीरो में प्लस करें तो हमारे पास टू आ जाएगा तो ये बिल्कुल जे इक्वल हो जाएगा ए एच के ये हमारे पास टू क्वेश्चन एक्सरसाइज वन पॉइंट वन के क्लियर हो गए हैं बहुत ईजी क्वेश्चन है ये वाले आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी